नमस्कार सभी को सोगाइचर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस गुरुजी में तो अभी की वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट अभी आपकी एच एस सी भर्ती को लेकर तो आपकी जो ए एल एम असिस्टेंट लाइनमैन की जो भर्ती है उसकी भाई ज्वाइनिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है एच एस सी ने तो सभी को पता है कि कुछ दिन पहले इसका जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था तो उसके बाद में इन्होंने फाइनल आंसर की जारी की थी तो उसके अंदर चार क्वेश्चन के राइट आंसर थे लेकिन एच एस सी ने उनको गलत बताकर जो अभी रिजल्ट निकाला तो अभी एच एस सी क्या करेगा आपका जो ये रिजल्ट है वो रिवाइज करेगा तो रिवाइज करने के ऊपर कितने कैंडिडेट पर असर पड़ सकता है कितने कैंडिडेट भाई फाइनल लिस्ट से बाहर हो सकते हैं और इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है तो देखिए आप यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एलम पदों की ज्वाइनिंग रुकवाई है ठीक है चार सवालों के सही उत्तर को गलत करार देने से गफलत पैदा हुई कल की तरह ए का हाल न हो इसीलिए ज्वाइनिंग रोकी चीफ एग्जामिनर को मामला भेजा आयोग की कमेटी ने पाई खामी चंडीगढ़ चौबीस जून हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एलम पदों की ज्वाइनिंग रुकवा दी है एलएम के चौदह पदों के लिए चयन सूची का अंतिम परिणाम 24 मई दो को जारी किया गया था मगर एलम के चार प्रश्नों का सही उत्तर को गलत करार देने से यह गफलत पैदा हुई है इसी भर्ती का विकल्प की भर्ती जैसा असर न हो इसीलिए आयोग ने पहले ही सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए ज्वाइनिंग रोक ली आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को शनिवार को बताया कि, कि एलम पदों पर चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग क्यों रोक दी तो उन्होंने कहा कि अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद जब आयोग ने फाइनल आंसर की अपलोड की तो उस पर उम्मीदवारों ने आपत्तियाँ दर्ज की उम्मीदवारों ने बताया कि चार प्रश्नों के सही उत्तर जबलिंग होने से गलत करार दे दिए गए कलक कल की भर्ती में भी इसी तरह से गलती हुई थी ये आपत्तियां मिलने के बाद आयोग ने एक कमेटी गठित की इस कमेटी ने आपत्तियों की परख की कमेटी ने पाया कि किसी शिफ्ट में सही उत्तर का विकल्प अलग होने से उसे गलत मान लिया गया अध्यक्ष ने कहा कि भले ही आयोग की कमेटी ने यह पता लगा लिया कि चार प्रश्नों के सही उत्तर कुछ उम्मीदवारों के गलत मान लिए गए हैं मगर चीफ एग्जामिनर की राय भी महत्वपूर्ण होती है इसीलिए चीफ एग्जामिनर को यह मामला भेज दिया है उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा तो देखिए जैसे ही जो चीफ एग्ज़ामिनर की तरफ से नोटिस आ जाता है ठीक है इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वही फिर आपका आगे कदम उठाया जाएगा यानी कि आपका रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ होगा और जैसे ही रिज़ल्ट रिवाइज होगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 400 उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है तो यानी कि 400 सौ कंडे बार हो सकते हैं आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से दैनिक सवेरा ने पूछा कि ऐसे कितने उम्मीदवार होंगे जिनके परिणाम पर असर पड़ सकता है उन्होंने जवाब दिया कि लगभग चार उम्मीदवारों के परिणाम पर असर पड़ सकता है उनसे पूछा कि अगर सही उत्तर को गलत मान लिया गया था तो चयन सूची जारी क्यों की उन्होंने बताया कि चयन सूची जारी होने के बाद ही फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है जब एल की चयन सूची जारी हो गई तो फाइनल आंसर की अपलोड की गई तब उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज करवाई जिसके बाद आयोग ने संज्ञान में मामला आया आयोग ने तुरंत कमेटी गठित की और बिजली विभाग को ज्वाइनिंग होल्ड पर रखने के लिए कह दिया गया कह दिया गया चीफ एग्जामिनर की से रिपोर्ट आने के बाद ए का रिजल्ट संशोधित किया जाएगा उधर ए के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर जानकारी दी कि प्रश्न पत्र के कोड डी में प्रश्न नंबर पचास और कोड नंबर एफ में तीन प्रश्नों का उत्तर गलत माना गया है ठीक है तो ये भाई एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर की तरफ से कब यहाँ पर इसकी सूचना आती है जैसे एच एस को सूचना मिलती है तो तुरंत बाद भाई आपकी जो एलमबरती है एलमबरती का रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा और यहाँ पर रिजल्ट रिवाइज़ होने के बाद में भाई देखो यहाँ पर चार सौ उम्मीदवार हैं जो अभी यहाँ पर सिलेक्टेड है वो बाहर हो सकते हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया है तो देखते हैं भाई कि ए, कौन सा कैंडिडेट बाहर होगा तो यहाँ पर अब आपका जो सी का एग्ज़ाम होगा वो आठ जुलाई के बाद तय होगी भाई उसकी तारीख़ भी ठीक है तो आप अपने सी एग्ज़ाम की तैयारी भाई करते रहें क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं है भाई कौन कैंडिडेट बाहर होगा कौन अंदर होगा ठीक है यानी कि चार सौ अगर बाहर होंगे तो भाई फिर चार सौ कंडेट न्यू सिलेक्टेड होंगे तो अपने सी एग्जाम की तैयारी वो करते रहें तो आप सभी के लिए आपकी एच एस भर्ती की ज्वाइनिंग को लेकर ये अपडेट थी कि आपकी कौन सी भर्ती की ज्वाइनिंग रुकी है उसका रिजल्ट रिवाइज होने पर क्या असर पड़ेगा कितने क्वेश्चन गलत थे उम्मीद करता हूँ मैं जानकर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना शेयर करना तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही थैंक यू आपका दिन मंगलमय आऊ जयन जय भारत